आज एक तालियां मेर पाएगी क्या बात है। आप अपना नाम कहां से आए और अपना सबसे पहले मैं RWA टीम को धन्यवाद बोलना चाहता हूं कि आज मैं इनकी वजह से इस मुकाम पर पहुंच गया हूं कि जो मेरा बेरोजगारी का कलंक था ना वो मेरा मिट चुका है। बेशक मैं आज IDBU में सिलेक्टेड हूं पर लेकिन आज मैं RWA की टीम की वजह से सिलेक्टेड हूं। मैं आपको अपने संघर्ष की कहानी बताता हूं। मैंने 2019 से तैयारी शुरू करी थी करनी और मैंने 2020 का दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरा था जिसमें मैंने जी तोड़ मेहनत करी थी। उसमें मैं 0.37 से फाइनल में बाहर हो चुका था। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं यार छोड़ पढ़ाई वढ़ाई में कुछ नहीं लगा अपना काम धाम करेंगे कुछ। उसके बाद फिर UPSI की वैकेंसी आती है और मैं सर मैंने आज तक आपका कोर्स नहीं खरीदा। मैं यूट्यूब से पढ़ा हूं हमेशा। सर मेरी 141 नंबर है आपकी 12वीं PD में पर मैंने आज तक कोई कोर्स नहीं खरीदा। सर मैंने राहुल सर की इतनी वीडियो देखी जो इन्होंने आप पर राहुल सर का मुझे एटीट्यूड एक नंबर लगता है। इसकी ताली हो जाए क्योंकि पढ़ाने का जो तरीका है ना राहुल सर का किसी से डर नहीं है जी खोल शेर कहते ना जैसे शेर सर वो है। और उसके बाद जब मैंने UPSI की तैयारी शुरू करी तो मैं बहुत पढ़ा। मुझे ये नहीं पता था कि मैं सो कब रहा हूं उठ कब रहा हूं। तो सर मैंने 128 क्वेश्चन प्राप्त किए 320 नंबर। तो घर में खुशी का माहौल हो चुका था कि बच्चा हमारा दरोगा बनेगा। मैं भी जी सर बहुत खुश था। मैं जब DV करवाने गया मेरा DV हुआ आगरा में और मेरा जो फिजिकल हुआ अलीगढ़ में हुआ 48 बटालियन में। तो सब खुश थे हमारे घर में कि लड़का दरोगा बनेगा। मैं भी ये सब काट कूट के अपनी दाढ़ी मूंछ में रखता था। मैं दरोगा हूं। मैंने अपने ट्रू बॉलर में भी ये लिख दिया था गौरव चौधरी UPSI ठीक है भैया। उसके बाद सब खुशी का माहौल चल रहा था। मेरे DV हुआ। मैंने रनिंग अपने ग्रुप में सबसे पहले रनिंग करी थी 22 मिनट में और सबके और सबसे छोटा उनमें मैं था। वहां पे जब मैं सबसे पूछता था भैया तुम्हारे कितने नंबर है वो कहता था मेरे 125। मगर मैं इससे ऊपर हूँ मेरे 128 है मैं भी बाहर नहीं हो सकता। फिर मैं मतलब पूछता था सबसे कि भैया तुम्हारे कितने हैं कि भैया मेरे 127 है। कोई मिलता था 130 वाला मगर चल ये करता तो मेरे से ऊपर होगा ही मैं सबसे ऊपर थोड़ी होऊंगा। फिर सर जी ऐसी चलता रहा खुशी का माहौल रहा पूरा रहा खुशी का माहौल घर में। फिर बाद में सर फाइनल मेरिट आती है और फाइनल मेरिट में मेरा नाम नहीं होता। फाइनल मेरिट में मेरा नाम नहीं होता और सर मैं आज भी अपने आंसर के अपने साथ लेकर घूमता हूँ। कोई मेरे से बोलता तो झूठ बोलता है कि तेरे है ही नहीं इतने नंबर तेरे 320 नंबर होते तो आज UPSI की ट्रेनिंग करता हूँ ना हूं मैं मेरे साथ की ट्रेनिंग कर रहे हैं। लेकिन मेरे UPSI में नॉर्मलाइजेशन में 21 नंबर घटे थे सर 21 नंबर घटे थे सर। आज भी मेरी आंसर और सर मैंने GS की जो तैयारी करी थी ना सर मैं GS इतनी तकलीफ कर गया था मेरे 40 में से 33 क्वेश्चन ठीक थे 33 क्वेश्चन ठीक थे 40 में से। मतलब जो संविधान है और मैंने संविधान के लिए लक्ष्मीकांत भी पढ़ी है सर क्योंकि एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। पर लेकिन उसके बाद भी मेरा नसीब खराब हो गया। मैंने सोचा उसके चक्कर में सर मैंने पिछला 2021 वाला GD का मेडिकल छोड़ दिया कि मेरे तो 320 नंबर है दूसरों की सीट खराब क्यों करूं मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि फिजिकल के लिए 279 रुपए मेरिट लगी थी हमारी फिजिकल के लिए मेरे 320 नंबर थे UPSI में। तो मैंने सोचा मैं किसी की सीट नहीं खराब करनी चाहिए मैंने मेडिकल छोड़ दिया था अपना। फिर बाद में लेकिन भगवान ने भोलेनाथ को मैं बहुत मानता हूं सर। मैं हर बार कावड़ लाता हूं मैं आपके 17 कावड़ ला चुका हूं। तो उसके बाद मैंने कहा मगर भोलेनाथ जो जितना परेशान तू मुझे कर रहा है ना लेकिन मैं भी तेरी पूंछ पकड़ के रहूंगा पीछे से मैं छोड़ने वाला ही नहीं हूं तुझे। जहां तू लेगा चलेगा मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। उसके बाद सर फिर SSC GD की दोबारा वैकेंसी आती है। दोबारा वैकेंसी आने के बाद मैं तैयारी शुरू करता हूं। तो सर मैंने राहुल सर का मैं बताया और भी बहुत बड़ा फैन हूं बार बार बोल रहा हूं मैं क्योंकि जो मैथ सर मैं आर्ट साइड से पढ़ा हूं 12th मैंने आर्ट साइड से की है। और मैं जब फिर बाद में मैथ्स तो बहुत डरता था मैथ्स से क्योंकि हमने कभी पढ़ा नहीं। और 12th में मेरे 52% नंबर है कुल ऐसा पढ़ा यूपी बोर्ड से हिंदी मीडियम से। उसके बाद सर फिर मैंने मेहनत करी बहुत सर के मैं प्रैक्टिस एड देखता था हर एक भी प्रैक्टिस एड मतलब इनके लिए तरसता था मैं कि राहुल सर का प्रैक्टिस एड कब आएगा और मैं कब लिखूं इसको और कब इसको मैं करूं। राहुल सर का जो पढ़ाने का तरीका है ना कि राहुल सर कभी भी एक तो झूठ नहीं बोलते। अगर इन पे सवाल नहीं हुआ ना राहुल सर पे अगर मतलब जैसे अटक गए या कुछ हो गया
तो राहुल सर ये नहीं कहते कि नहीं ये सवाल गलत है, ये बोलते कि मेरी गलती है, मैं इसे कल को सुधार कर लेकर आऊंगा। समझ रहे हो भाइयों? नहीं तो हर मास्टर क्या बोलता है, जो सवाल नहीं होता भाई यार ये सवाल गलत हो चुका होगा, इसमें सिली मिस्टेक होगी, ये गलत है सवाल। लेकिन राहुल सर बोलते हैं कि इस सवाल को मैं कल को कराऊंगा, सबसे पहले आती सवाल को कराऊंगा मैं। और उसके बाद भाइयों फिर मैंने अब एसएससी जीडी का सिलेक्शन बताता हूं सर मैं आपको कैसे हुआ। मेरा 22 तारीख को चेन्नई बोर्ड में मैं ग्रुप डी में सिलेक्टेड हूं, 22 तारीख को मेरा फिजिकल था चेन्नई में, और 23 तारीख को मेरा मेरिट पेपर था एसएससी जीडी का, 22 तारीख में चेन्नई में फिजिकल और 23 तारीख में एसएससी जीडी का मेरिट में पेपर। सर मैं बौखला गया, मगर मैं कैसे करूंगा। फिर मैंने अपने पिताजी से कहा, पिताजी ने कहा कि सोल्यूशन निकाल कुछ। मैंने कहा पिताजी मैं कहा ऐसे ऐसा बात है, फिर तो वहां से फ्लाइट से आना होगा। फिर मैंने फिर फ्लाइट हैंड टू हैंड फ्लाइट करी 8,000 रुपए की एसएससी जीडी का पेपर देने के लिए, जबकि मेरा सिलेक्शन ग्रुप डी में हो रखा है चेन्नई जोन। उसके बाद मैंने जब मैं फिर वहां की टेंशन कि वहां का रिजल्ट नहीं आया था मेरे फिजिकल का, वे कह रहे थे कि तुम्हारी वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। ऊपर से अगले दिन इसकी एसएससी जीडी के पेपर की टेंशन। जब मैं वहां से फ्लाइट में बैठा और मैं दिल्ली उतरा तो एक सेकंड पेपर के लिए सर एक सेकंड में सोच रहा हूँ भगवान जल्दी पहुंचा दे, बस उड़ा के पहुंचा दे मुझे मेरठ, मैं बहुत जल्दी पहुंच जाऊं। फिर वहां पहुंचा और मैंने भगवान भोलेनाथ का नाम लिया और मैं पेपर में बैठा, और मेरे आज भैया 141 नंबर मेरे है और मैं आईटीबीपी में सिलेक्टेड हूँ। लेकिन मैं कभी हार नहीं मानने वाला भाइयों, और ना ही किसी को माननी चाहिए। सर मैंने आज भी ये सोच रखा है कि मैं अगर सिलेक्टेड हो चुका हूं तो मैं अभी पीसीएस की तैयारी करूंगा। अगर मुझे भगवान ने 2 स्टार नहीं दिए ना, 2 स्टार नहीं दिए, मैं 3 स्टार लेकर रहूंगा, डीएसपी बनूंगा भाइयों, डीएसपी बनूंगा 3 स्टार पर। लेकिन मैं पीछे नहीं छोड़ूंगा भोलेनाथ का, उनकी पूंछ पकड़ के रहूंगा पीछे। मगर जहां लेके चलते हो वहां लेके चलो, पर लेकिन पीछे नहीं छोड़ने वाला और लेके रहूंगा सर। और आपका अधिकारी बैच आने वाला है आरओए और वाला सर, उसमें भी एक अधिकारी नाम जुड़ जाए तो आपका सर आशीर्वाद है। तो मैं इन्हीं बातों से अपनी वाणी को विराम देता हूं और आरडब्ल्यू वालों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चे खड़े होके एक बार आरडब्ल्यू वाले के लिए ताली बजाएंगे, बहुत तगड़ी ताली। रुकता बचना चाहिए, रुकता भाई, यार यार तुम जवान हो यार, कैसी बात कर रहे हो। आरडब्ल्यू ए भाइयों कभी थकना नहीं है, और हमारे पास तो भगवान जैसे गुरु है, देख रहे हो कितनी सोने सूरत है सर जी की, भगवान जैसे गुरु दे रखे हैं तुम्हें पढ़ाई फ्री में। मैंने कोई कोर्स नहीं करी था भाइयों, मेरा आज भी ऐप पढ़ा है, मैंने कोई कोर्स नहीं करी था, मैं खाली यूट्यूब पे पढ़ाऊं, संदीप सर से रीजनिंग पढ़ाऊं, बाद में राहुल सर से पढ़ाऊं, अरे मैं सर जी इनका पढ़ा है और आपसे सीखा। मैं सर जी बहुत डरता था किससे, एडवांस से, मैं उससे पढ़ाऊं अलग साइड से, तो एडवांस मेरे बिल्कुल नहीं आता था। तो मैंने सोचा मैं, आपने बताया कि एडवांस के 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं एसएससी जीडी में, तो मैंने सोचा मैं यार मैं ऐसा करूंगा कि मेरे एक भी क्वेश्चन गलत ना हो मैथ में। फिर उसके बाद मैंने सर जी से, आपने जो क्लास ली थी सर जी एडवांस की क्लास आपने ली थी, उस एडवांस से जो आप मतलब पहले क्वेश्चन कराए आपने, फिर मतलब जो मिक्सर आए उनसे सीखा मैं थोड़ा थोड़ा, और मैंने वे सारे जो फॉर्मूले है ना अपने दीवारें चिपका दिए। मगर मैं इन दीवारों पर अगर मेरे सवाल भी नहीं हो रहा मैं वहां से देखो फॉर्मूला चेक करूंगा। लेकिन भाइयों मैं पहली बार दोबारा कहना चाह रहा हूँ, आरडब्ल्यू टीम से सब जुड़े रहे और मेहनत करते रहे, बहुत आगे बढ़ो, इसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत।